हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इतनी अच्छे तरह से आप लोग हैं, वैसे ही आप अपने प्रिपरेशंस को भी कर रहे होंगे। सो अच्छे अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेटनोलॉजी के पिछले साल के क्वेश्चंस जो सीजीएल के पेपर्स में पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और हम उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर हमें दिया है नोट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट होता है, हर सेटनोलॉजी के क्वेश्चंस में आता है, पर कभी कभी नहीं भी आता है कुछ सिंपल क्वेश्चंस में जो दूसरे पेपर्स में पूछे जाते हैं। हमारे पिछली क्लासेस में हमने देखा है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे नोट नहीं दिया है और वहाँ पर आपने उस क्वेश्चन के सेटनोलॉजी होने के बावजूद उन क्वेश्चंस के सेट्स को अलग करके डिजिट्स के साथ में लॉजिक लगाकर सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया है। लेकिन यहाँ पर है, इस क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें अपने किसी भी नंबर को डिजिट वाइज में सेपरेट नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 14, 378 और 9 का एक सेट। सो हम यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे, थोड़ी सी जगह बना लेंगे और फिर अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सेट हमें दिया है 14 का, 378 का और 9 का। तो यहाँ पर ये तीनों नंबर कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, यही हमें देखना है। बड़े नंबर की तरफ जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा अपने फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जब हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप नंबरों को प्लस कर दो या तो आप नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से हम अपने बड़े वाले नंबर की तरफ जा सकते हैं। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं 14 का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ पर कितना आ सकता है, 126। अब ये 126 है और हमारे पास जो नंबर दिया है वो है 378। इसका अगर हम डबल करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सो 6 2 12 1 कैरी, 2 2 4 1 5 एंड 2 1 2, सो 252 ही आता है डबल करने से। तो ट्रिपल करने से क्या पता आ जाए, है ना, 378। अभी ये तो 2 से हुआ, अभी इंटू 3 कर लेते हैं। 6 3 18, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7 आया यहाँ पर और 3 1 3। सो हमने देखा कि पहले हमने किया अपने फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई, इसके बाद में हमने जो हमें आंसर मिला उसका हमने कर दिया इंटू 3। सो उसको इंटू 3 करने से हमें मिला हमारा सेकेंड वाला नंबर, ये सेकेंड वाला नंबर 378। इस तरह से इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें मिला मल्टीप्लिकेशन से। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम बड़े नंबर पे तभी जा सकते हैं जब हम या तो प्लस करें या तो मल्टीप्लाई करें। इस फॉर्मूला में हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आया। इसका मतलब यहाँ पर अभी हमें एक पैटर्न मिल गया है। अभी हमें यही चीज़ चेक करनी है हमारे सेकेंड वाले नंबर पर कैसे फॉलो हो रही है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं हमारे सेकंड वाले नंबर्स को, जो सेकंड सेट हमें दिया गया है। सो यहाँ पर है 432, 18 और 8। हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है, बेसिकली इस फॉर्मूला को इस नंबरों में अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर है फर्स्ट का मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कि 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और उसके बाद हमें क्या करना है, 3 का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। सो ये इस तरह से ओवरऑल दिखेगा। अभी इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो 18 8 हो जाएगा 144 144, और फिर 144 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 2 एंड कैरी 1, अगेन 3 4 12 एंड 1 कैरी जो था 13, 1 कैरी अगेन, 3 1 3 एंड 1 जो हो गया 4। सो इस तरह से हमें मिल गया ये सेंटर वाला नंबर जो कि सेकेंड वाली पोजीशन पे है। सो इस तरह से हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला हमें मिला फर्स्ट इंटू थर्ड इंटू 3, सो फर्स्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाले नंबर के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है इंटू 3, इससे हमें आ जाएगा सेकेंड वाला नंबर। सो
सो ये फॉर्मूला हमें मिला इस तरह से। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड वाले नंबर के साथ और मल्टीप्लाई इंटू थ्री, फिर हमें आएगा सेकेंड वाला नंबर। सो ये है फॉर्मूला ओवरऑल इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर दिया है 5, 125 और 8। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 8 × 3। सो 5 8 जा हो जाएगा 40 और 4 × 3 किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 0 120। सो इस तरह से ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर हमें सेकेंड नंबर 120 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में यानी कि जो ऑप्शन आपको दिया है उसमें आपको दिया 125। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। अभी हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। सो यहाँ पर हमें करना है 15 × 9 × 3, इस तरह से करना है। सो 15 का मल्टीप्लाई 9 टाइम्स करेंगे, हमें आएगा 135। 135 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे सो यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू, सो 5 3 15, 1 कैरी एंड देन 3 3 9 + 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 कैरी अगेन, 3 1 3 + 1 4, सो 405 आ रहा है। क्या सेंटर में भी 405 ही दिया है, तो यस। सो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। सो हमने देखा यहाँ पर एक अच्छा वाला पैटर्न कि हमें बड़े वाले नंबर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और थर्ड नंबर का, और साथ में हमने देखा कि उसके बाद हम अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं इन नंबरों को तो हमें मिल जाएगा हमारा सेकेंड वाला नंबर। इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और यहाँ पर भी नोट दिया है। सो जब भी ऐसा नोट दिया है आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको अपने किसी भी नंबर के डिजिट्स को अलग अलग नहीं करना है। सो चलिए अभी देखते हैं इसमें जो नंबर्स हमें दिए गए हों गिवन सेट्स में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक सेट दिया है 3, 9 और 30 का और साथ साथ ही कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, और दूसरा सेट हमें दिया है 10, 3 और 33 का। सो इस तरह के दो गिवन सेट्स हमें दिए गए हैं। अब हमें पता करना है कि इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 30 का हमें एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर आप 3 और 9 को इंटू करते हैं सो यहाँ पर आपको आ जाएगा 3 9 27, इसमें आप +3 कर देंगे तो आपको 30 ईजिली मिल जाएगा। क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर भी, तो देख लेते हैं। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। सो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 30 में +3 किया सो हमें आ गया 33। तो यहाँ पर दोनों ही टर्म्स जो हमें दिए गए हैं सेटर लॉजी के गिवन टर्म्स उस पर ये वाला फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर सिंपली क्या हो गया, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया सेकेंड वाले के साथ में और फिर +3 कर दिया तो हमें मिल गया थर्ड वाला नंबर। सो बेसिकली ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आपको करना क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें मिला है। देख लेते हैं अभी हमारे क्वेश्चनेबल टर्म पे फाइंड आउट करने के लिए इस ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा एज एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, 6, 9 और 40, यहाँ पे आपको करना है 6 का मल्टीप्लीकेशन 9 के साथ, इसके बाद में आपको +3 करना है और इसके इक्वल्स टू में आपको क्या आना चाहिए, थर्ड वाला नंबर यानी कि यहाँ पर दिया है 40। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा 54 और फिर 54 में अगर हम +3 करेंगे तो यहाँ पर 54 में +3 किया तो यहाँ पर आया 57, जो कि 40 तो होता नहीं है। सो ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी में हमें करना है 8 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, ये हो जाएगा 64 और फिर इसमें हमें करना है +3। अगेन 64 में अगर आप +3 करोगे तो यहाँ पर आएगा 67 और यहाँ पर हमें दिया है 74, तो ये हो गया फिर से रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन हमारे दोनों रॉन्ग हो चुके हैं।
अब हम बढ़ेंगे थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ, ठीक है। सो थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पर दिया है 12 का मल्टीप्लिकेशन करके 3 के साथ में, प्लस हमें 3 करना है। सो 12 थ्री ज़ा मल्टीप्लाई किया, 36 आया, 36 प्लस 3 करेंगे 39 आएगा। क्या हमें थर्ड वाले नंबर पे 39 दिया है? तो यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर हमारा हुआ है फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करके प्लस 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी नोट दिया गया है, सो नोट को ध्यान से देखना है। जिस भी क्वेश्चन में नोट दिया है आपको ध्यान रखना है कि आपको गिवन टर्म्स के डिजिट्स को अलग अलग नहीं करना है। सो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमें यहाँ पे जो दो गिवन टर्म दिया गया है वो है 12, 8 और 80, एक ये है, और जो दूसरा वाला दिया है वो है 16, 10 और 131। अभी हमें देखना है कि इन दोनों तीनों नंबरों को कैसे एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर है कुछ इस तरह से नंबर दिख रहा है, इसको हमें करना होगा मल्टीप्लाई, और कुछ ऐसे हम स्क्वायर क्यूब्स भी लगा सकते हैं ताकि हम इजीली इन नंबरों तक पहुँच जाए। अभी यहाँ पर क्या दिया है, दो छोटे नंबर और एक बड़ा नंबर, और यहाँ तो फिर भी थोड़ा छोटे नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर दिया गया है। इसका मतलब हमें 16 के साथ में या 10 के साथ में स्क्वायर्स क्यूब्स कुछ करना होगा, जिससे ही हम यहाँ पर 100 के ऊपर तक पहुँच सकते हैं। तो इनके बीच में क्या लॉजिक बन सकता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर हम इस 12 का स्क्वायर करते हैं सो हमें आएगा 144, ठीक है। 144 में अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें मिला है यहाँ पर 80, अगर हम इस 80 को इसमें माइनस करें 80 को 144 में, तो हमें यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, 14 में हमने 8 को माइनस किया 6, सो 64 आता है। अब 8 और 64 को कैसे कर सकते हैं, सो 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें इजीली 64 मिल जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं क्या यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है सेम नेक्स्ट वाले टर्म पे। तो यहाँ पे हमने करना है पहले फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, इससे हमें एक नंबर आएगा। सो 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 256। अभी हमें इसमें माइनस करना है थर्ड वाला नंबर, यानी कि 131। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 125 आता है। अभी 10 है, 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, और हमें क्या दिया है 125। अब 125 को अगर आप गौर से देखोगे तो 125 क्या होता है, ये 125 होता है आपका 5 का क्यूब होता है 125। इसका मतलब यहाँ पे हमें किसी नंबर का क्यूब करना पड़ेगा, ये 5 का क्यूब 125 होता है। इसका मतलब हमें 10 का स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे जो हमें करना है वो क्या करना है, 10 और 5 का क्या कनेक्शन होता है, सो 5 जो होता है वो 10 का हाफ होता है। इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें आएगा 5, राइट, 2 5 10, और फिर इस 5 को हमें क्यूब में कर देना है, जिससे हमें मिलेगा ये 125 का नंबर जो यहाँ पर है। सो इस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें करना है अपने सेकेंड वाले नंबर को डिवाइडेड बाई में 2, और उससे हमें एक नंबर आएगा, उस नंबर को हमें करना है क्यूब, और उससे फिर एक नंबर जो आएगा वो एक्चुअली आंसर होगा फर्स्ट वाले नंबर के कनेक्शन में। और इसमें फर्स्ट वाले नंबर से हमें क्या काम करना है, हमें वहाँ पर करना है पहले फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है, और उसमें माइनस कर देना है थर्ड वाला नंबर। फर्स्ट वाले नंबर में को स्क्वायर करके माइनस करेंगे थर्ड वाला नंबर, वही वैल्यू आएगी अगर हम सेकंड वाले नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करके उसका क्यूब करते हैं। सो हमें करना है यहाँ पे वर्क अपने फर्स्ट वाले नंबर के साथ, और उसके बाद हमें करना है वर्क अपने सेकंड वाले नंबर के साथ, और इस तरह से जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, क्या हुआ, और इस तरह से जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो होगी एक्चुअल में एक वैल्यू जो सेम टू सेम हो जाएगी। तो हमने देखा इस तरह से यहाँ पर राइट साइड में जो सेकंड टर्म में हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये 8 का
स्क्वायर करने से 64 आया, ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें 64 लाना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 का 64 नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना है, क्यूब करना है। सो 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, हमें मिलेगा 4, और इस 4 को अगर आप क्यूब करोगे तो आपको आ जाएगा 64। सो 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब एक ही होता है 64 नंबर। सो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। अभी देख लेते हैं, पहले इसको हम लिखेंगे अच्छे से फॉर्मूला में कैसे बन रहा है ये वाला पैटर्न। अभी हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने किया अपने फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर किया हमने, तो हमें एक नंबर मिला है ना, और उसके बाद में हमने उसमें माइनस किया हमारा थर्ड वाला नंबर। थर्ड वाले नंबर को माइनस करने से हमें एक नंबर आया। इस तरह से वही वैल्यू हमें एक और तरह से आ रही है, वहाँ पर हो रहा है। सेकेंड वाले नंबर को हम करना है डिवाइडेड बाई 2, और उससे जो वैल्यू आएगी उसका हमें करना है क्यूब। सो लेफ्ट साइड में एक फार्मूला चल रहा है और राइट साइड में भी एक फार्मूला चल रहा है, और इन दोनों फार्मूला को सॉल्यूशन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड में, और वही सेम वैल्यू आ रही है आपको राइट साइड में भी। सो इस तरह से यहाँ पर फार्मूला बन गया। हम देख लेते हैं कि वो कौन सा वाला ऑप्शन होगा जो इन दोनों फार्मूला को फॉलो करेगा और हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो देख लेते हैं फर्स्ट वाला। सबसे पहले हमें करना है 11 का स्क्वायर, जो कि आएगा हमें 121। इसके बाद हमें माइनस कर देना है इसमें थर्ड वाला नंबर यानी कि 55। 121 में 55 को माइनस किया, यहाँ पर आ जाएगा 66। और फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला देखेंगे। सो सेकेंड वाले फॉर्मूला में क्या करना है, हमें करना है 5 का डिवाइडेड बाई 2, इससे हमें आएगा यहाँ पर आंसर पॉइंट में। इसका मतलब अगर हम पॉइंट का क्यूब भी करेंगे तो हमारा आंसर भी आएगा पॉइंट में। सो इस हिसाब से हमें पता चला कि यहाँ पे तो एक जगह 66 दिया है और एक जगह पॉइंट में आंसर आएगा। सो ये ऑप्शन नंबर ए इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है 13। सो हमें करना होगा फर्स्ट में 13 का स्क्वायर मिलेगा 169। 169 में हमें माइनस करना है थर्ड नंबर यानी कि 160। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 9। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 9 आ रहा है, और सेकेंड वाले के साथ में हमें वर्क करना है। 4 को हमने करना है डिवाइडेड बाई 2, सो 2 2 ज़ा 4। 2 का हमें क्यूब करना है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। अब हम बढ़ेंगे अपने सी वाले ऑप्शन की तरफ। सो सी वाले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 14, 12 और 126। सो यहाँ पर हमें करना है 14 का स्क्वायर जो कि आएगा 196। 196 में हमें माइनस कर देना है 126। तो 6 का 6 गया, 0 आया, 9 में से 2 गया, 7 आया, 7 आया, और 1 का 1 0। इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है 70। और राइट हैंड यानी कि सेकेंड वाला नंबर, सेकेंड वाले नंबर में हमें दिया है 12, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 6 ज़ा 12। 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करने से हमें यहाँ पर मिलेगा 216। ये दोनों तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, बहुत दूर है। सो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाता है। इस तरह से हमें मिल गया ऑटोमेटिक, यहाँ पर हमें क्या मिला, ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें मिल गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन के लिए। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों राइट हो रहा है इस क्वेश्चन के लिए, हमें भी यहाँ पर ये भी देख लेंगे। सो पहले हमें करना है 9 का स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर करने से हमें मिला 81। 81 में हमें माइनस करना है 54। 81 में 54 को माइनस कर देना है, 11 में से 4 गया, यहाँ पे आएगा 7। 7 में से 5 गया, हमें मिला 2। सो यहाँ पे 27 हो रहा है। दूसरे वाले साइड में देखेंगे तो हमारा सेकेंड नंबर यानी कि 6 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सो 2 3 ज़ा 6। फिर इस 3 का क्यूब करेंगे, सो 3 का क्यूब करेंगे तो हमें आएगा 27। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, और इसीलिए ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर NOTE नोट। सो इस क्वेश्चन को भी आपको कोई भी डिजिट्स को अलग नहीं करते हुए डायरेक्ट आपको नंबरों पे अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करना होगा। सो यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमें दिया गया है दो गिवन सेट ऑफ नंबर्स जो कि है 82, 35 और 78 का, और इसी तरह से एक और नंबर हमें दिया हुआ है 18, 27 और 30 का, 35। सो इस तरह से हमें दो गिवन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं अगेन, एंड ऐसे ही देते हैं। कई बार होता है कि आपको एक ही गिवन सेट दिया रहे और उससे आपको सॉल्व करना है। सो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दो बड़े नंबर और एक थोड़ा छोटा नंबर दिया गया है, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू कि किसी ना किसी का आधा हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप 82 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, सो 82 को डिवाइडेड बाई 2 किया, हमें मिला 2 4 8 एंड 2 1 2 41। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 78 दिया है, और 40 और 30 को प्लस करेंगे यानी कि 41 में 35 को, यानी कि फर्स्ट सेकेंड वाले नंबर को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5 एंड 1 का 6, 4 एंड 3 का 7। इस तरह से हमें यहाँ पर मिला 76, और 76 से 78 की तरफ जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस टू करेंगे, तो 76 से हम इजीली 78 पे पहुँच जाएंगे। सो हमने हमारे फर्स्ट वाले नंबर के साथ में एक वर्क किया, इसके बाद में हमें एक नंबर आया, हमने सेकेंड वाले नंबर के को ऐड कर दिया, फिर हमें एक नंबर आया, हमने उसमें प्लस टू किया, हम थर्ड वाले नंबर पे पहुंच गए। देखते हैं यही फॉर्मूला सेकंड वाले सेट में भी अप्लाई होता है या नहीं। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है फर्स्ट वाले नंबर का डिवीजन बाय 2, यानी कि 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 18, 9 आया। इसमें हमने प्लस करना है सेकेंड वाला नंबर यानी कि 27, 9 और 27 को ऐड करते हैं, 16 हो गया, 6 कैरी 1, एंड सो 2 और 1 जो कैरी था 3 हो गया, यहाँ पे आया 36। अब अगर आप 36 में प्लस 2 को प्लस किया तो आपको यहाँ पे 38 आएगा, और आपका जो यहाँ पर टर्म दिया हुआ है वो 30 का दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमें मिला ये रॉन्ग है, दोनों ही टर्म्स में एक साथ लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, ये 82 को अगर हमने 35 के साथ प्लस किया, सो यहाँ पर हमें क्या मिला, 5 और 2 को प्लस किया तो 7 आया, 8 और 3 का हो गया यहाँ पे 117, 117 हो गया यहाँ पर। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लिया, अब हम इसमें माइनस कर देंगे 78, इससे हमें पता चलेगा डिफरेंस क्या है, और उस डिफरेंस से हमें पता चलेगा कि क्या लॉजिक हम बिठा सकते हैं। सो जब कुछ भी नहीं आए तो आप एडिशन ही कर लें सभी नंबरों का, वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक तो मिल ही जाएगा। तो 117 में 78 को माइनस कर देंगे, 17 माइनस 8 करेंगे तो हमें यहाँ पर आएगा 9, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 किया तो हमें मिला 39। सो इस तरह से हमें 39 मिल रहा है। ये 39 का एक और यहाँ पे टर्म हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप 78 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इज नथिंग बट 39 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 78 आएगा। लेट्स सी 39 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 3 9 ज़ा 27, यहाँ पे 7 आया, 2 कैरी गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 39 का डबल किया तो हमें 78 आता है जो कि हमारा थर्ड वाला नंबर है, और इसके डिफरेंस से हमें 39 आ रहा है, और उस डिफरेंस को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर आ रहा है जो कि एडिशन है फर्स्ट और सेकंड वाले नंबर का। सो यहाँ पर इस तरह से दिखा। अभी हम इसी को चेक करेंगे अपने सेकेंड वाले इवन सेट पर। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले एक तो हमने यहाँ पर किया है फर्स्ट वाले नंबर में ऐड हमारे सेकंड वाले नंबर को, और फिर उसमें माइनस किया है थर्ड वाला नंबर, ठीक है। सो पहले किया यहाँ पे हमने 18 प्लस 27 माइनस 30, इस तरह से क्या वैल्यू आ रही है, 18 प्लस 27 किया तो हमें आ गया यहाँ पे 7 और 8 का यहाँ पे आया 15, 2 1 कैरी हो गया, 2 1 3 एंड 1 4, 45। 45 में हमने 30 को माइनस कर दिया सो हमें यहाँ पर मिला 15, 15 हमें मिल रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें करनी है वो यहाँ पर क्या करनी है, अभी इस 15 का हमें कर देना है इंटू 3।
सो 15 3 45। सो इस तरह से हमें यहाँ पर मिला 15 3 45। सो ये वही 45 नंबर हमें मिल गया जो कि है फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करने से जो नंबर हमें मिलेगा वही नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, थर्ड वाले नंबर को अगर हम माइनस कर देंगे अपने इस एडिशन में तो हमें एक नंबर आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वो वाला नंबर आ जाएगा जो फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, वो ये कि जो आपका थर्ड वाला नंबर है आप उसको डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो आपको एक वैल्यू आएगी, वही वैल्यू को अगर आप इंटू 3 कर दोगे तो आपको यही एडिशन वाली वैल्यू आएगी, फर्स्ट और सेकंड के एडिशन वाली। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सो हमें करना है हमारे फर्स्ट वाले नंबर को ऐड सेकंड वाले नंबर के साथ, इससे हमें जो सॉल्यूशन आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का बेसिक आंसर होगा। और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, हमारे थर्ड वाले नंबर को डिवाइड कर देना है 2 से और उस पूरे जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमें करना है इनटू 3। सो इस तरह से हमें मिल जाएगा हमारा वैल्यू। सो यहाँ पर जो भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी और जो वैल्यू राइट हैंड साइड पे आएगी, इस तरह से दोनों सेम सेम हो जाएगी। चलिए अभी इसको अच्छे से देख लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं अपने गिवन ऑप्शंस के साथ कि हमें दो चीज़ें करनी है, दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का और एक राइट हैंड साइड का। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, पहले हमें करना है फर्स्ट वाले में ऐड सेकंड वाले नंबर को, यानी कि 21 प्लस 27 करेंगे, ये 71 का हो जाएगा 8 और ये 22 का हो जाएगा 4। सो यही नंबर हमें राइट हैंड साइड में भी चाहिए विद द फॉर्मूला जो यहाँ पर अभी मिला। सो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिला, अगर हम थर्ड वाले नंबर को डिवाइडेड बाई करते हैं 2 से सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 24, यानी कि 12 आया। 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर 48 आना चाहिए, लेकिन 12 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 3 36 आएगा। ये दोनों मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ेंगे सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ। सो सेकंड वाले ऑप्शन में भी आपको यही चेक करना है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का और फिर राइट हैंड साइड का, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी आप फॉर्मूला ये करोगे इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्चुअली वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड के एडिशन का। सो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, 15 प्लस 36 करने से जो वैल्यू आएगी, यानी 6 5 का हो जाएगा 11, एक कैरी, 3 के बाद एक 4 और एक जो कैरी में है 5, इस तरह से आपको यहाँ पर आएगा 51 ही आना चाहिए राइट हैंड साइड में भी। सो राइट साइड में क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला नंबर को हमें डिवाइड करना है 2 से, थर्ड वाले नंबर को डिवाइड किया 2 से तो 2 1 2 कैरी हुआ 18, 2 9 18, सो 19 आता है। इसके बाद 19 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 57, और 51 और 57 एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, सो ये हो जाएगा रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। सो सी वाले को ट्राई करेंगे, 27 में हमें करना है प्लस 33 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 3 का 10 और एक कैरी, 3 और 2 5 और एक कैरी भी तो है ना 6। सो इस तरह से हमें मिला 60, और राइट हैंड साइड में हमें लास्ट में कौन सा नंबर दिया है 40। सो 40 को हमें करना है डिवाइडेड बाई 2, इससे 20 का इंटू 3 करेंगे तो 3 2 6 और 0। सो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो वैल्यू हमें आया वो सेम है, इसका मतलब थर्ड वाले नंबर के साथ में ये फॉर्मूला लगाते हुए हमें 60 नंबर आया, और वो 60 नंबर क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड नंबर का एडिशन है। सो ये जो फॉर्मूला फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिला ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आ गए हम अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है नोट, यानी कि यहाँ पर भी आपको कोई भी डिजिट्स को अलग अलग नहीं करना है। सो अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 49 63 और 441, और इसी तरह से हमें यहाँ पर एक और सेट दिया हुआ है, वो है
7, 14 और 14। अभी हमें देखना है इन दोनों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला नंबर तो बहुत ही भारी दिख रहा है, चलिए सिंपल वाले पे फाइंड आउट करते हैं क्या ही लॉजिक बन सकता है। सो 14 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 7 से, यानी कि फर्स्ट वाले नंबर से, 7 का मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये 14 आएगा। इसी तरह से 14 को डिवाइडेड बाई 7 यानी कि फर्स्ट वाले नंबर से करोगे तो 2 आएगा। इस 2 में फिर हम इंटू 7 करेंगे तो हमें 14 आएगा। इस हिसाब से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम अगर अपने थर्ड वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाईज करते हैं तो हमें हमारा फर्स्ट वाला नंबर यूज़ करते हुए सेकंड नंबर तक पहुँचेंगे। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ कर लेते हैं, पहले हमने करना है थर्ड वाले नंबर को डिवाइड कर देना है फर्स्ट वाले नंबर के साथ। 7 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें डिवाइड कर देना है इसको फर्स्ट वाले नंबर के साथ में, क्योंकि हमें इन तीनों में आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन देखना होगा। सो 49 के टेबल से ही ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऑड नंबर है। सो 49 के टेबल में 9 को क्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें आंसर में 1 आता है यूनिट डिजिट में। सो 9 को अगर हम 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट में 1 आता है, 9 9 81। सो हमें यूनिट डिजिट में 1 कैसे मिल सकता है हमारा, अगर 9 का 9 के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। लेट्स चेक 49 का 9 टाइम्स कितना होता है। सो 9 9 81 हो जाएगा, 8 कैरी, 9 4 36, 36 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 44। सो इस तरह से हमने देखा कि 49 का 9 टाइम्स 44 41 होता है, यही तो नंबर यहाँ पर है। सो अगर आपने थर्ड वाले नंबर को अपने फर्स्ट वाले नंबर के साथ डिवाइड किया तो आपको आंसर हमें आया यहाँ पे 9। अभी हमें क्या करना है, 9 के बाद में हमें इंटू 7 करना है, 7 9 63। इस तरह से हमें मिला हमारा सेकेंड वाला टर्म। इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला हो रहा है वो ये है कि आपको अपने थर्ड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के साथ में डिवाइड कर देना है और उससे आपको जो भी वैल्यू आएगी उसमें इंटू 7 करना है। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया इस वाले क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर। अभी देख लेते हैं सेम फॉर्मूला या पैटर्न जो भी हमें मिला है उसको अगर हम अप्लाई करें अपने ऑप्शंस में सो हमें कौन सा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। सो ए को देखेंगे, सबसे पहले हमें करना है हमारे थर्ड वाले और फर्स्ट वाले नंबर को डिवाइड। सो थर्ड यानी कि 35 डिवाइडेड बाई फर्स्ट यानी कि 7। सो 35 को 7 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पर हमें मिलेगा 7 5 35। 5 के बाद हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन ये तो हो जाएगा 35। और हमें क्या आना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर सेकेंड वाला नंबर आना है। सो ये इक्वल्स टू आना है सेकेंड वाला नंबर। सो यहाँ पर 35 और 28 मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है नंबर 14 28 और 56। सो हमें करना है पहले थर्ड वाला नंबर यानी 56 उसको डिवाइड करना है फर्स्ट वाले नंबर से यानी कि 14 से। सो 14 के टेबल में 56 आता है 4 पे। सो 14 4 जा हो जाएगा 56। अब इस 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। सो 7 4 जा होता है 28। ये हमारा सेकेंड नंबर होना चाहिए। सो क्या ये सेकेंड नंबर है? सो सेकेंड नंबर में हमें दिया है 28। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है वही कारगर है इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए करेक्ट आंसर की तरफ जाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई, और ऐसे ही बेहतरीन और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।